हेलो दोस्तों, मैं हूं पोनू फ्रॉम द टेक क्लब। अभी 6-7 दिन पहले गूगल ने गूगल प्ले म्यूजिक ऐप में एक न्यू अपडेट के साथ रिलीज किया है एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर। इस फीचर की हेल्प से आप गूगल के सॉन्ग्स लाइब्रेरी में से सॉन्ग्स को स्ट्रीम कर पाएंगे। आपको यहां इस लाइब्रेरी में लगभग 40 मिलियन सॉन्ग्स से भी ज्यादा सॉन्ग्स मिल जाते हैं, यानी कि आप इन 40 मिलियन सॉन्ग्स को कभी भी कहीं भी अपने डिवाइस में स्ट्रीम कर पाएंगे। आपको यहाँ गूगल प्ले म्यूजिक की तरफ से 14 डेज का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है। उसके बाद आपको मंथली सिर्फ 89 रुपीस पे करना होगा। सो अगर आप इस टाइप के किसी दूसरे स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक एप्पल म्यूजिक, सावन, गाना में सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो ये न्यू गूगल प्ले म्यूजिक ऐप आपके लिए एक काफी अच्छा रिप्लेसमेंट होगा। नाउ मैं आपको गूगल प्ले म्यूजिक ऐप के न्यू अपडेट का एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले अगर आपने प्ले म्यूजिक ऐप को रीसेंट वर्जन में अपडेट नहीं किया है तो उसे पहले आप कर लीजिए। नाउ अगर आप इस अपडेटेड प्ले म्यूजिक ऐप को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ ये न्यू स्ट्रीमिंग सर्विसेज में 14 डेज के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन करने के लिए ऑप्शन आएगा। इस फ्री 14 डेज सर्विस को सब्सक्राइब करने के लिए आपको किसी टाइप का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं होगी। नाउ सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करते ही यहाँ पे आपको जॉनरे चूज करना होगा। आपको यहाँ पे पॉपुलर इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस के लिस्ट मिल जाते हैं। आप जिन लैंग्वेजेस के साथ कंफर्टेबल हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ हिंदी, तमिल एंड वेस्टर्न। नाउ यहाँ पे प्रेस ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप आर्टिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिनके सॉन्ग्स में आपको इंटरेस्ट है। नाउ बेसिकली बेस्ड ऑन ये सिलेक्शंस जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसके हिसाब से गूगल मेरे सॉन्ग्स के प्रेफरेंसेस को समझेगा एंड मुझे बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट सॉन्ग्स को इस ऐप में रिकमेंड करेगा। नाउ आर्टिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद प्रेस ऑन डन एंड दैट्स इट। हमने इस ऐप के सेटअप प्रोसीजर को कम्प्लीट कर लिया है। नाउ आपको यहाँ पे होम स्क्रीन में कुछ कार्ड्स मिल जाएंगे जो कि बेस्ड ऑन है आपकी म्यूजिक के प्रेफरेंसेस पे। नाउ ये कार्ड्स रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, सो यहाँ से आप काफी सारे न्यू म्यूजिक को डिस्कवर कर पाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एक कार्ड को प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे बेस्ड ऑन ये कार्ड्स काफी सारे सॉन्ग्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सो ये न्यू सॉन्ग्स को डिस्कवर करने का एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐप के मेन्यू में कुछ न्यू ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे ये टॉप चार्ट्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको आपके रीजन के हिसाब से ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का लिस्ट मिल जाएगा। मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मिलता है न्यू रिलीजेस। इस ऑप्शन के हेल्प से आप न्यूली रिलीज सॉन्ग्स एंड सॉन्ग्स के एल्बम को डिस्कवर कर पाएंगे। देन नेक्स्ट न्यू ऑप्शन है ये ब्राउज स्टेशन। यहाँ से आप अगर कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में सॉन्ग्स को सुनना पसंद करते हैं तो आप यहाँ से उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऊपर और दो टैब्स मिल जाते हैं। कैटेगरीज टैब में आप सॉन्ग्स की कैटेगरीज को सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डिवोशनल, इंडियन क्लासिकल एंड फिल्म ट्रैक्स का ऑप्शन मिल जाता है। थर्ड टैब में आपको मिलता है मूड एंड एक्टिविटी। आप यहाँ से बेसिकली अपने मूड के हिसाब से प्लेलिस्ट को सेट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको पार्टी सॉन्ग चाहिए तो आप यहाँ पे पार्टी ऑप्शन पे सेलेक्ट कीजिए एंड अगर आपको रोमांटिक सॉन्ग सुनना है तो आप यहाँ पे रोमांटिक ऑप्शन पे प्रेस कीजिए। नाउ अगर आपके पास नेट कम है या आप अपने जियो के 1 GB डेटा लिमिट को खत्म कर चुके हैं एंड आप और सॉन्ग्स को स्ट्रीम नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे डाउनलोडेड ओनली बटन पे प्रेस कीजिए। नाउ ये आपको बस आपकी फोन में सेव्ड MP3 सॉन्ग्स को ही शो करेगा। आपको यहाँ इस डाउनलोडेड ओनली ऑप्शन के साथ एक और काफी इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिल जाता है जो कि है ये केस्ट म्यूजिक ऑप्शन। आपने जो भी सॉन्ग्स से पहले स्ट्रीम किया था वो सॉन्ग्स इस ऐप की केस्ट मेमोरी में सेव हो जाता है। सो बेसिकली आप ऑफलाइन मोड में पहले से ही स्ट्रीम किए हुए सॉन्ग्स को सुन पाएंगे। सो गाइस, ये था इस न्यूली अपडेटेड गूगल प्ले म्यूजिक ऐप का एक बेसिक ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कीजिए मेरे फेसबुक ग्रुप को। ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस तरह की टेक रिलेटिंग वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेक क्लब को एंड इस बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो अपलोड्स का नोटिफिकेशन आ जाए।